नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश समाचार न्यूज़। मैं आपके साथ विष्णु सिसोदिया इस वक्त मौजूद हूँ ब्रज नगरी ब्रज धाम वृंदावन के अंदर। आप मेरे पीछे जो वेंडर देख रहे हैं श्री राधारा जी, जो कि कपड़ा बैंक का कार्यक्रम था हमारे साथ, उसके जो फाउंडर वो मौजूद हैं। आइए जानते हैं क्या कुछ कार्यक्रम था। सबसे पहले अपना परिचय दें सर। राज राधे, मैं संजय पंडित पराशर, श्री राधा रानी रोटी कपड़ा बैंक का संस्थापक अध्यक्ष जी। इंडियन कार्यक्रम था आज, इंडियन ह्यूमन राइट काउंसिल का आगरा मंडल अध्यक्ष जी। आज श्री धाम वृंदावन में श्री राधा रानी रोटी कपड़ा बैंक की पूरी टीम यहाँ मौजूद है जी। जी, हमारे मित्र सुधीर जी ने हमसे निवेदन किया था कि एक बार आप श्री धाम वृंदावन में अपना घर में अपनी सेवाएँ आप दें। अच्छा, और यहाँ घर है, ये स्थान है जो अपना घर श्री धाम वृंदावन के अंदर जी 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 जी। यहाँ पर जो प्रभुजन रहते हैं, जो दीनहीन दुखी यतीम मंद बुद्धि लोग, जो लोग बेसहारा हैं, आपने देखा होगा कि जैसे सड़क के किनारे, पुल के नीचे, रेलवे स्टेशन के आसपास जो लोग लावारिस से घूमते रहते हैं, तो अपना घर में ये लोग रेस्क्यू करके यहाँ पे इन प्रभुजनों को रखते हैं। यहाँ पे कई प्रभुजन ऐसे रहे हैं जिनके पैर में घाव था, कीड़े पड़ गए थे, और यहाँ पर बहुत ही उनकी सेवा की जाती है, तो उनको हम प्रभुजन कहते हैं जी जी। तो श्री धाम वृंदावन में मानवीय सेवाओं को देखते हुए आज राधा रानी रोटी कपड़ा बैंक की पूरी टीम यहाँ मौजूद है। अच्छा। और यहाँ आज 87 प्रभुजनों को भोजन प्रसाद की व्यवस्था प्लस यहाँ के स्टाफ की व्यवस्था अच्छा। श्री राधा रानी रोटी कपड़ा बैंक परिवार की तरफ से की जी जी। तो कितने समय से आपकी जो राधा रानी रोटी कपड़ा बैंक है, जो संस्था है, कितने दिनों से जो काम कर रही है? श्री राधा रानी रोटी कपड़ा बैंक एक दशक से अपनी सेवाएं जी, एक दशक से जो है नर सेवा नारायण सेवा के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हैं। जबकि आज से कई साल पहले भी आपने मेरा एक इंटरव्यू लिया था जी, जी, शायद उसको 2 साल से ऊपर हो गया जी, क्योंकि आप भी इन क्रियाकलापों को देखते रहते हैं। और परिधि परिवार का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने हर कदम पे मेरा साथ दिया है। तो पूरी टीम को, परिधि परिवार की पूरी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। नर सेवा ही नारायण सेवा, ये आपके हृदय में ये भाव कब उत्पन्न हुआ? आज से एक दशक पूर्व मैं मथुरा में, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बहुत बड़े बड़े फंक्शन और पार्टियां होती हैं जी, ऐसे ही किसी भी में एक बड़े फंक्शन में मौजूद था। वहां पर मैंने देखा कि नाश्ते में इतनी आइटम्स थे और भोजन में इतने आइटम्स थे जी जी। उसके बावजूद मैं अचानक एमरजेंसी कॉल के लिए, यानी कि बाथरूम के लिए टेंट के पीछे गया, तो वहाँ मैंने देखा कि कुछ जो जूठन बची हुई थी वहाँ पर कुछ बच्चे इस तरह के उस जूठन में से कोई रसगुल्ला है, राजभोग है, चमचम है, उठा के खा रहे थे। वहीं से श्री जी की कृपा हुई और ये मेरे मन में आया अच्छा। कि जहाँ पर हम लोग भोजन नहीं कर पा रहे, हम नाश्ते में ही सिमट गए, और ये लोग एक एक दाने को, उस जूठन को भी बड़े स्वाद से खा रहे हैं, और श्री जी की कृपा से वहीं से उनका दृष्टिपात हुआ। तो उसके बाद ये श्री राधा रानी रोटी कपड़ा बैंक की का जो ये प्रादुर्भाव हुआ उस दिन से। देखिए, जैसे कि राधा रानी रोटी कपड़ा बैंक के जो संस्थापक थे, उन्होंने बताया किस प्रकार से नर सेवा ही नारायण सेवा का जो भाव उनके अंदर उत्पन्न हुआ, किस प्रकार से वो अपनी एक दशक से जो है ब्रज नगरी के अंदर सेवाएं दे रहे हैं। तो सबसे पहले मैं एक बार दिखाऊंगा इस तरीके के ये दृश्य, जो अपना घर है यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, और अपना घर वृंदावन प्रभु जी भोजन सेवा प्रसादी श्री राधा रानी रोटी कपड़ा बैंक मथुरा श्रद्धा भाव से एक समय भोजन प्रसादी अर्पित की। आज का जो कार्यक्रम था वो हमने आपको दिखाया, और उसकी जो फुटेज हैं वो आप देख सकते हैं प्रदेश समाचार के माध्यम से। और सर क्या कहना चाहते हो आप? मैं राजेश अग्नोत्री भागवताचार्य जी जी, राधा रानी रोटी कपड़ा बैंक का सदस्य जी, उपाध्यक्ष और उपाध्यक्ष हाँ उपाध्यक्ष हैं, लेकिन एक सदस्य के रूप में एक अपने आप में एक कार्यकर्ता और पद माने नहीं रखता, कार्य और जी 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 कार्य हो, रुचि हो, भाव हो, भाव होना चाहिए अंदर से, धरातल पे कार्य हो जी जी, है ना जी। तो इन्हीं के प्रेरणा से कई सालों से मैं इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ जी, और कल जैसे ही शाम को फोन मिला तो मैंने तुरंत स्वीकृति दी, और यहाँ आकर के बहुत ही अच्छा लगा, आनंद मिला, सेवा भाव, सेवा को सेवा भाव से करके देखो ना एक बार, अपने लिए और अपने परिवार के लिए तो समस्त जीते हैं जी। हमारा संस्कृति है वसुधैव कुटुंबकम जी जी, पूरी वसुधा ही हमारा परिवार है, अगर मानो तो पशु पक्षी भी अपना पालन पोषण कर लेते अपने बच्चों का जी जी। केवल हम अपने और अपने बच्चों तक सीमित रहे, मानव तन मिलने का कोई औचित्य नहीं रहा जब तक हमारे अंदर परोपकाराय सतम विभूताय वाला जो है अंदर ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।